हमारे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो आपके बीच में लड़ने जा रहे हैं, प्रदीप सिंह पटना जी, मंच पर उपस्थित दिनेश सिंह जी, अजय शुक्ला जी, प्रभात गुप्ता जी, पूर्व विधायक राम सेवक सिंह पटेल जी, शिव शंभू सिंह पटेल जी, शैलेश वर्मा जी, रामपाल पाठक जी, पूर्व मंत्री जो हमारे साथ रहे उज्जवल रमन जी, इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय केसरी प्रसाद कोल जी, राजमणि माजी जी, प्रदीप सिंह पप्पू जी, संदीप यादव, प्रशांत सोनी जी, योगेश्वर जी, बीपी सिंह जी, और इस मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका, जितने हमारे साथी आम जनता, किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी उपस्थित हैं, मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं बधाई देता हूं इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए। ये मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है हमें, सामने भी लोग हैं, छत पे भी जगह जहां मिल गई छत पे भी लोग दिखाई दे रहे हैं, छत पे भी लोग बड़ी संख्या में हैं। मैं ये मान सकता हूं, मुझे भरोसा है इस बात का कि जितने साथी यहाँ आए हैं, जो देख रहे हैं, यही अगर संदेश लेकर के चले जाएंगे तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह पटना जी जीत करके ऐतिहासिक वोटों से जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन्हें जिताइए, मदद कीजिए। मैं अभी इनकी बातें सुन रहा था और बातों ही बातों में भावुक होकर के कहने लगे कि हमारा आपका कोई और रिश्ता नहीं है, हमारा कोई जाति और धर्म का रिश्ता नहीं है, हमारा आपका, हमारा आपका दिल का रिश्ता है, और जिसका दिल का रिश्ता होता है वो दिल से पसंद किया जाता है, और जिसका दिल से रिश्ता हो आपसे, जिसको आप पसंद करने लगो फिर उसकी तो हर बात अच्छी ही लगती है, जिसको आप चाहो, आप पसंद करो तो बताओ उसकी हर बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? तो अब तो इनके पास साइकिल है, मदद करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। और हम आपसे इसलिए चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है। हमने कई सभाओं में कहा, हमारे समाजवादी साथी कहते हैं, लोहिया जी कहते थे कि अगर रोटी एक ही तरफ सिकेगी तो जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी बताओ? जल जाएगी। पहले आप लोग कांग्रेस की रोटी सेकते रहे, वो जल गई, कितने दिन जलाई बताओ आप? 40 साल, 42 साल, 65 साल, नहीं यहां मध्य प्रदेश में 42 साल, और पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की रोटी एक ही तरफ सिक रही है। ये हमारी माताएं बहने जानती होंगी, बैठी हैं सामने। अगर रोटी अच्छी सेकनी है तो बार बार बदलना पड़ता है, तभी जाकर के रोटी सिकती अच्छी। तो बताओ, अगर बदलाव चाहते हो तो बदलाव, अगर आप चाहते हो तो अच्छे के लिए बदलाव करिए, आपका रास्ता अच्छा हो। और हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, हो सकता है हमारी पार्टी नई हो लेकिन आप तो किनारे के रहने वाले हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे पड़ोसी हो आप लोग,
आपका न जाने कैसा रिश्ता है हम लोगों से, पड़ोसी लोगों से अच्छा रिश्ता है हमारा, और ये समाजवादियों का रिश्ता है। ये रिश्ता तोड़ने वाले हम लोग नहीं है, एक बार रिश्ता बना लिया तो फिर हमेशा के लिए रिश्ता आपसे बना लिया। और हम समाजवादियों ने भी तय किया है, हम समाजवादियों ने भी तय किया है कि जब तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बढ़ेगी, हम मध्य प्रदेश छोड़ने वालों में से नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम समाजवादी लोग मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग 15 साल से राज कर रहे हैं और दिल्ली में भी सरकार इनकी है। कभी सोचना आप जाकर के सभा में सुन करके, आप घर जाकर के सोचना, आप घर जाकर के सोचना कि बीजेपी को आप किसने मौका दिया था कि बीजेपी महंगाई खत्म कर देगी। आपने बीजेपी किसने मदद की कि हमारे किसानों का आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसानों की जो बदहाली है, आर्थिक स्थिति है, उसको ठीक कर देगी बीजेपी। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है, उस महंगाई को हम काम कर देंगे, इसलिए आपने उनकी मदद करने का काम किया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकारें रही, हमारा किसान गरीब होता चला गया, गरीब गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए आपने मदद की बीजेपी की और बहुमत की सरकार बन गई। याद कीजिए पुराना चुनाव, जिस समय बीजेपी के लोग कहते थे कि किसान आत्महत्या कर रहा है, वो आंकड़े बताते थे कि कितना देश में आत्महत्या हो गई है। कांग्रेस की सरकार में आत्महत्या कर रही थी, आज बीजेपी की सरकार में भी किसान आत्महत्या कर रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आंकड़े आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, जो गिनती आई है, 4.5 साल में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अगर कहीं की है तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अभी तक 40,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। और अगर अपनी बात लेके कभी गया होगा किसान, अपनी मांग लेके गया होगा, तो उसे कभी लाठी खानी पड़ी और किसी कई कई जगह पर गोली खानी पड़ गई उसको। ये दुर्दशा पैदा की है किसानों की, ये दुर्दशा पैदा की पहले कांग्रेस ने और उसी रास्ते पे चले गए बीजेपी के लोग। अगर पहले किसान आत्महत्या करते थे तो बीजेपी की सरकार में भी आत्महत्या किसान कर रहा है। हमारी भोली भाली जनता ने भरोसा कर लिया कि ये महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल की महंगाई देखो, जो कांग्रेस ने महंगाई की थी उससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके चले गए। आप हिसाब किताब लगाइए बैठ करके, तो आपको पता लगेगा कि जहां पर महंगाई कांग्रेस ने की थी उससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके चले गए। वो कहते थे, वो याद होगा आपको समय, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो डॉलर की कीमत है आज, रुपए के मुकाबले जो डॉलर की कीमत है उसको हम नियंत्रण करेंगे, हमारा रुपया मजबूत होगा। जितना कमजोर कांग्रेस की सरकार में था रुपया, आज उससे ज्यादा रुपया कमजोर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया। जितनी बेरोजगारी नौजवानों की कांग्रेस के समय थी, वो बेरोजगारी इन लोगों ने बढ़ाई है। जनता ने तो इसलिए मौका दिया था कि जिन नीतियों जिन कार्यक्रमों पे कांग्रेस चल रही है उन नीतियों को बदलेंगे, कार्यक्रमों को नए बनाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए, नौजवान को नौकरी मिल जाए, वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन रास्ता इन्होंने नहीं निकाला। बताओ नौकरियां कहां हैं? प्रधानमंत्री घूम रहे हैं जाने कितने देश, अब तो याद भी नहीं है कितने देश प्रधानमंत्री घूम चुके होंगे। दुनिया के सब ताकतवर देश घूम आए हैं वो, अमेरिका कई बार हो आए, जर्मनी हो आए, फ्रांस हो आए, इंग्लैंड हो आए, रशिया भी हो आए, चीन भी हो आए, जापान भी हो आए। ये वो देश हैं जो ताकतवर देश हैं। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ जितने देश घूम करके आए हो, कहीं भी एक किसान अगर आत्महत्या कर रहा हो तो बता दो, और ये भी बता दो कि उन देशों में कितने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। अगर वो देश अपने आप को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं
वो देश अगर अपनी किसानों को नौजवानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकते हैं तो भारत तो हमारा कितना मजबूत देश है। यहाँ की जमीन अच्छी है, यहाँ के नौजवान सपने देख सकते हैं। ये क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? सवाल ये है आपके सामने, ये सवाल है आपके सामने, क्योंकि कांग्रेस वही है जो बीजेपी है और बीजेपी भी वही है जो कांग्रेस है। आज देश में जितनी समस्याएं हैं वो कांग्रेस लेकर के आई थी, उन समस्या को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। आप सोचो घर बैठ करके, कभी सबसे छोटी चीज जो बनती है गांव में, जिस पे प्रधानमंत्री न जाने कितना कितना लंबा भाषण दे रहे हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी, वो टीवी पे देखा होगा, प्रधानमंत्री जी झाड़ू ले लेते हैं दिल्ली में, पता लगा भारतीय जनता पार्टी के लोग हर गली मोहल्ले में झाड़ू लेके चल देते हैं, हर जगह झाड़ू लेके निकलते हैं। बताओ हमारा कितना स्वच्छ हो गया है, सड़क कितनी स्वच्छ हो गई, गांव की गलियां बताइए हमें कोई। और स्वच्छता तब तक नहीं आएगी, सफाई तब तक नहीं आएगी जब तक बीजेपी की नीयत साफ ना हो। जिनकी नीयत साफ नहीं है वो स्वच्छता कभी नहीं ला सकते, कभी सफाई नहीं कर सकते। और फिर गांव में बताओ, कांग्रेस पार्टी के लोग शौचालय बनवा रहे थे, ये शौचालय वाली योजना अभी की नहीं है, ये बीजेपी की नहीं है, ये हमारे गांव के सरपंच होंगे, गांव में रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे फर्क कितना है। केवल फर्क इतना है केवल कि कांग्रेस वाले एक गड्ढे वाली शौचालय बनाते थे, बीजेपी वाले दो गड्ढे की शौचालय बनाते हैं। बताओ हमारे गांव में रहने वाले भाइयों किसानों, यही तो फर्क है। बताओ बीजेपी और कांग्रेस के में फर्क क्या है? बताओ, ये कांग्रेस वाले बनवाते थे एक गड्ढे का शौचालय और बीजेपी वाले बनवा रहे हैं दो गड्ढे का शौचालय। और देखिए समानता क्या है, ना कांग्रेस वाले पानी दे रहे थे शौचालय में, ना बीजेपी वाले शौचालय में पानी दे रहे हैं। बताओ शौचालय में पानी है कि नहीं है, बताइए। और उनके जमाने में जो गांव के घर थे, वो घर जो मिलते थे 70,000 का मिलता था, जो आवास मिलता था गरीब को वो 70 का था, और ये लोग दे रहे 1,20,000 का। न गरीब पे 70 आता था, न इनके पास इनका जो 1,20,000 पहुंच रहा है। इसे हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं, और हम लोग आपसे गरीबों से जिनके आवास आज तक नहीं बन पाए, आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, खबरेल का मकान है, हम मध्य प्रदेश में इतने कच्चे मकान मैंने कहीं नहीं देखे जितने खबरेल के कच्चे मकान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको याद होगा जिस समय नोटबंदी हुई थी, उस समय एक गरीब परिवार की महिला अपना पैसा निकालने बैंक से गई थी, और जब वो बैंक में थी, गर्भवती थी, उसी बैंक में उसके बच्चे ने जन्म ले लिया, और बैंक वालों ने और समाजवादियों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हम समाजवादी की सरकार थी उस समय, हम समाजवादियों ने उसको लोहिया आवास दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने लोहिया आवास का पूरा पैसा रोक दिया। हम 3,05,000 रुपए देते थे, वो इसलिए देते थे कि गरीब के दो कमरे बन जाए, बरामदा बाथरूम और खाना बनाने की जगह हो जाए, और उसके ऊपर सोलर पैनल देते थे, दो LED बल्ब फ्री देते थे, पंखा देते थे, और स्विच भी लगा दिया था जिससे मोबाइल चार्ज हो जाए और वक्त लगे तो TV भी उससे देख लें। 3,05,000 का हम लोहिया आवास देते थे। हमारे दो नेता बैठे हैं यहाँ, राम सेवक सिंह पटेल भी बैठे हैं और उज्जवल रमन भी बैठे हैं, संदीप भी हैं, जानते होंगे, ये UP से चल करके आए हैं। लोहिया आवास 3,05,000 का हम देते थे। अभी जब हमने घोषणा पत्र जारी किया है, अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो हमने कहा कि हम तो खजांची को देने जा रहे हैं और उसके जन्मदिन पे हम उसको घर देने जा रहे हैं, और वो घर है 5,00,000 रुपए का, दो कमरे का घर देने जा रहे हैं खजांची को। और हमने तय किया है कि हम समाजवादी लोग अगर खजांची को अपने
संसाधनों से उसे घर बना करके दे रहे हैं, तो हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि आने वाले समय में अगर गरीब को घर समाजवादी लोग देंगे तो 5 लाख रुपए का देंगे, जिससे गरीब का पूरा घर तो बन जाए और बिजली का भी इंतजाम हमेशा हमेशा के लिए मुफ्त हो जाए। ये इंतजाम हम लोग करना चाहते हैं, ये सुविधाएं देना चाहते हैं। बताओ, आजादी के बाद से अभी तक घर नहीं बन पाए लोगों के? कौन कहता है पैसा कम है खजाने में? कौन कहता है कि सरकार के खजाने में पैसा कम है? पैसा अगर कम होता, पैसा कम होता तो बताओ, आप तो 2-4 लोगों के नाम जानते होंगे जो पैसा लेकर के चले गए। आप तो 4 या 5 लोगों का नाम जानते होंगे जो पैसा लेकर के चले गए, लेकिन वो केवल 4 लोग नहीं है। अगर पूरी गिनती निकालोगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, उद्योगपति जो कारखाने चलाते थे, 42,000 लोग भारत छोड़ करके चले गए, अपना पैसा लेके चले गए। हम और आप तो केवल 1-2 का नाम जानते हैं, एक शराब वाले कारोबारी का नाम जानते हैं बस, कि वो पैसा लेके चला गया। कुछ गुजरात के लोगों के नाम जानते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति थे हीरे के, वो अभी नहीं गए हैं, जिनका नाम तुम ले रहे हो वो बाद में चले जाएंगे। इसलिए केवल हम 3-4 नाम जानते होंगे। एक हमने आर्य साथी ने बताया, वो नाम है शराब के कारोबारी, वो चले गए, कम से कम वो अच्छी शराब तो बनाते थे। जब से वो गए हैं विदेशी कंपनी ने कब्जा कर लिया है। कभी कभी हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की साजिश रही हो कि ये भाग जाए, पैसा ले जाए और पूरा कारोबार विदेशियों के हाथ में हम दे दें। और वही हुआ कि वो तो चले गए पैसा लेकर के और वो पूरा का पूरा कारोबार विदेशी लोगों के हाथ में चला गया। हीरे वाले चले गए, हीरे वाले बड़े पैमाने पे चले गए। और 42,000 मैंने कहा, बताओ बीजेपी कांग्रेस के लोगों, 42,000 उद्योगपति कारखाने बड़े पैसे वाले भारत छोड़ करके गए हैं कि नहीं गए हैं? हम और आप तो केवल 4 लोगों का नाम जानते हैं। धीरे धीरे बीजेपी कांग्रेस के इसी तरह की चलती रही तो ये सब पैसा बैंक से लेंगे और बाद में पैसा लेकर के सब चले जाएंगे, बाद में हम और आप ही बचेंगे। हम ही आपको तय करना पड़ेगा कौन रहे कौन ना रहे। उद्योगपति सब चले जाएंगे तो कैसे देश खुशहाल होगा बताओ हमें। नोटबंदी में तो हमारे गरीबों ने भी मदद की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पैसा जमा करा दो, काला धन हम वापस ले आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन नोटबंदी ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। जिस पैसे पे टैक्स मिलना चाहिए था वो पैसा भी लोगों ने बैंक में जमा कर दिया, और वही नहीं जो फर्जी रुपए थे वो भी बैंक में जमा हो गए। बैंक ने कभी दोबारा पलट करके नहीं देखा कि कौन सा असली नोट है कौन सा फर्जी नोट है। अभी रिपोर्ट आई है, 2 साल के बाद रिपोर्ट आई कि किसानों को सबसे ज्यादा संकट में नोटबंदी ने डाला। हम तो उस समय भी कहते थे कि ये नोटबंदी हमारे गरीबों को परेशान करेगी, लेकिन इस देश की भोली वाली जनता, गरीबों को ये लगा कि शायद बीजेपी के लोग ठीक कह रहे हैं कि अमीर लोग नहीं सो पा रहे हैं, दवाई खा के भी नहीं सो पा रहे हैं, जो बिस्तरों पर रुपए रख करके सोते थे शायद वो नहीं सो पा रहे हैं। हमारी भोली वाली जनता ने यह समझा, लेकिन नोटबंदी से गरीब को फायदा नहीं हुआ। अगर गरीब को फायदा होता तो बताओ आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाते कि नहीं आ जाते? अभी तो इंतजार नहीं कर रहे हो कि 15 लाख आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहीं इंतजार में तो नहीं हो कि 15 लाख आ रहे हैं और न नौकरी मिलनी न रोजगार। इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी लोग प्रदेश को और देश को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। और इसलिए ले जाना चाहते हैं कि हमारा देश बड़ा हो गया है, और जब बड़ा देश है, जब तक बड़ी चीजें नहीं होंगी तब तक हमारे किसान और हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम समाजवादी लोग कहते हैं बड़ी सड़कें बने, बड़े अस्पताल बने, बड़ी यूनिवर्सिटी बने, जो काम हो बड़ा हो, छोटे काम से हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा।
और छोटे काम करते रहोगे तो वही व्यापम जैसा घोटाला होगा जो ये बता रहे हैं हमारे नौजवान। व्यापम जैसा घोटाला, हमारे नौजवान नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरी और रोजगार चाहते हैं। और आज का अखबार किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो पता करना, कुछ जो नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली राजस्थान में, बेचारे परेशान थे कि नौकरी मिल जाए, शायद उसी से आगे बढ़ना चाहते थे, नौकरी नहीं मिली। 6 नौजवानों को, 4 नौजवान रेल के पटरी के सामने कूद गए और अपनी जान दे दी। बताओ कैसा देश है हमारा। ये व्यापम में न जाने कितनों की जान चली गई, जहां जहां सीबीआई पहुंचती थी उनकी जान चली गई। और अब तो सीबीआई जैसी संस्था पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। इतनी बुरा हाल किसी संस्था का नहीं हुआ होगा जिसका बुरा हाल सीबीआई में हुआ है। याद कीजिए वो समय जब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के समय पे कहता था कि ये जो सीबीआई है ये तोता है, ये सरकार की तोता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता था। और अब बीजेपी की सरकार में वही सीबीआई पता नहीं गिद्ध तो नहीं बन गई कि जहां चाहते वहां उसके ऊपर हमला कर करके नोचने का काम किया। सीबीआई जैसी संस्था खत्म कर दी, सीबीआई जैसी संस्था खत्म कर दी। पहले कांग्रेस ने खत्म की, फिर बीजेपी ने खत्म कर दी। कौन पूछ रहा संस्था को बताओ, हमें कौन पूछ रहा संस्था को बताओ। इसी तरह रिजर्व बैंक से झगड़ा हो गया सरकार का। सरकार कुछ चाहती है, रिजर्व बैंक कुछ कह रही है। रिजर्व बैंक का उसका झगड़ा, आपकी सीबीआई पे प्रश्न लग गए। नौकरियां रोजगार है नहीं, किसानों को कहा कि हम अपनी आपकी आय दोगुनी कर देंगे। बताओ आय दोगुनी कब होगी। प्रधानमंत्री जी आए और कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों किसकी आय दोगुनी हो गई। जब तक ध्यान नहीं दोगे किसानों पर, जब तक मंडी अच्छी नहीं करोगे, यहाँ की मंडियों में तो किसान इंतजार करते करते जान दे देता है लेकिन उसको कीमत नहीं मिलती है। ये हालत पैदा कर दी, इसे कौन ठीक करेगा। इसलिए हम समाजवादी लोग आपके सामने आए हैं। हम समाजवादियों ने कांग्रेस को अभी देखा है और कांग्रेस को अच्छी तरह देखा है, दोस्ती कर करके भी। जब हमारी तो दोस्ती थी बगल में, याद कीजिए। हम तो कांग्रेस का धन्यवाद देंगे कि हमें छोड़ दिया उन्होंने। कम से कम हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं। अगर कहीं उनके साथ होते तो शायद नहीं हम बोल पाते अपनी बातें, हम नहीं रख पाते अपनी ढंग की बातें। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम दूसरे रास्ते से विकास करेंगे, लेकिन ठंडे दिमाग से आज सोचना, घर जाकर के सोचना। जो महंगाई कांग्रेस ने की थी उस महंगाई को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। अगर सिलेंडर 400 था, 300 रुपए था पहले, तो अब 1000 से ऊपर का सिलेंडर हो गया है। अगर कांग्रेस शौचालय 1 गड्ढे का बना रही थी तो बीजेपी के लोग 2 गड्ढे का शौचालय बना रहे हैं। क्या स्थिति पैदा की है बताओ। इनके नीतियों और कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है। याद कीजिए जिस समय बाजार खुल रहा था, बाजार को खोला गया था विदेशियों के लिए, हर आदमी विदेश का कारोबार कर सकता है। उस समय हम लोकसभा में थे, उस समय के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था मैंने। उन्होंने उस समय कहा कि ये बाजार को हम इसलिए खोल रहे हैं दुनिया के सामने, इससे तरक्की और खुशहाली होगी और तरक्की और खुशहाली ऊपर से नीचे जाएगी। ये उनके भाषण में था। हम तो आज लगभग 30 साल होने वाले होंगे, बताओ ऊपर से नीचे कितनी तरक्की आ गई है। ऊपर से नीचे तरक्की पहुंची नहीं है। खुशहाली ऊपर आई, ऊपर ही रह गई, और ऊपर वालों ने ज्यादा कमाया, ज्यादा बैंक से लिया और विदेश चले गए, कोई पैसा नीचे नहीं पहुंचा। आज कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, हम 10 दिन में माफ कर देंगे। बीजेपी कहती हम भी माफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार है इनकी, बीजेपी के लोगों की। इन्होंने चुनाव में कहा था कि हम पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन बताओ किसानों का कितना उत्तर प्रदेश में कर्ज माफ हुआ। किसी का 20 पैसा, किसी का 50 पैसा इन्होंने कर्ज माफ किया। कांग्रेस कहती कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपके मंडियां बना करके, क्योंकि जब तक मंडी नहीं बनेगी, मंडी ठीक नहीं होगी,
दुनिया के जहां भी किसानों को खुशहाली के रास्ते पे ले गए हैं वो मंडियों से ठीक किया है। मंडियों का आधुनिकीकरण अगर होगा और मंडियों से सीधा किसानों का जोड़ा जाएगा, और इसलिए जोड़ा जाए क्योंकि कोई रिस्क किसान की ले सकता है तो वो सरकार ले सकती है, कोई उद्योगपति कोई कारखाने वाला नहीं ले सकता है। इसलिए मंडियों के माध्यम से हम जहां उनकी पैदावार का सही मूल्य देंगे वहीं हम सरकार में बिना हमारे नहीं बनेगी तो पहले घंटे में हम किसानों का कर्ज माफ कराने का काम करेंगे। ये समाजवादी लोग करेंगे और हम लोग समाजवादी लोग जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अगर समाजवादियों ने लैपटॉप की बात की उत्तर प्रदेश में, कोई गांव उत्तर प्रदेश का देख लो जिसमें लैपटॉप ना पहुंचा हो। जो लड़के अच्छे नंबर प्राप्त करते थे हमने लैपटॉप दिया, अब यहाँ तो स्कूटी देना चाहते हैं नंबर वालों को। हमने उनसे पूछा कि बताओ केवल स्कूटी दोगे क्या, संग में पेट्रोल भी दोगे, आखिरकार चलेगी कैसे स्कूटी है तो बता दो। पेट्रोल इतना महंगा, स्कूटी देंगे लेकिन पेट्रोल कब देंगे। और उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने 2 साल में लैपटॉप नहीं दिया और ना लैपटॉप के संग डाटा दिया, ऐसे ही धोखे में रख के जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये चुनाव आपका है और ये अगर फैसला हो जाता है लखनऊ में दिल्ली में, अगर लखनऊ और दिल्ली से ही फैसला हो जाता तो शायद हम आपके बीच नहीं आते। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, लोकतंत्र में अगर कोई फैसला लेता है तो आप लोग फैसला लेते हैं। अगर आप पलट नहीं चाहते हो, बदलाव ही चाहते हो, तो बताओ हमारे प्रत्याशी प्रदीप सिंह जी जैसा कौन प्रत्याशी है जो आपके बीच में रहेगा, आपके सम्मान के लिए लड़ेगा, दिलों में रहकर के काम करेगा, बताओ कोई हो तो बता दो आप। और फिर ये तो आपके लोकप्रिय हैं, मैं इनको भरोसा दिला सकता हूं और आपसे कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी से अच्छा पार्टी कोई नहीं है। आप सब पार्टियां देख लो, आपने देखा भी होगा, लेकिन साइकिल वालों से ईमानदार कोई नहीं है, क्योंकि साइकिल वाले सामने भी खड़े हैं और मंच पे भी साइकिल वाले ही हैं। सब पे साइकिल होगी, बताओ साइकिल है कि नहीं है सब पे। तो भाई साइकिल वाले सामने और साइकिल वाले यहाँ, तो आप वोट किसको दोगे फिर ये बताओ हमें। जो आपके घर में है, बगल में है, पड़ोस में है, आप उनकी मदद नहीं करोगे तो किसकी मदद करोगे आप। इसलिए प्रदीप जी की मदद कर दिए, प्रदीप सिंह पटना जी की मदद करिए आप। और हम इसलिए अपील करना चाहते हैं कि हम समाजवादी लोग देश को नई दिशा देना चाहते हैं। हमारी समाजवादियों ने ऐसा काम किया है जो देश के लिए उदाहरण है। अगर सड़क बनाई, एक्सप्रेस वे बनाया, पूरे देश में कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी होगी जहां पर अगर कभी कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, आपकी लड़ाई कभी चीन से हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, और अगर एयरपोर्ट पे हवाई जहाज न पहुंच पाए, तो हमारी सड़क ऐसी है कि अगर कोई लड़ाकू विमान हमारी सड़क पर उतरना चाहेगा तो वो सड़क पर उतर जाएगा। ऐसी शानदार सड़क बनाई है मैंने। हम कहते हैं कि अगर हम कहें तो नहीं जानेगा कोई, हम अपनी तारीफ करें अपनी सड़क की, शायद लोग नहीं भरोसा करेंगे, लेकिन मैं यकीन से कह देता हूं अगर कोई उस सड़क पर चल लेगा तो वो कहेगा कि सड़क बने तो ऐसी जैसी समाजवादियों ने बनाई है सड़क। आप 120 140 पे चले जाना और कप में चाय रख लेना, चाय हिलेगी नहीं, ऐसी सड़क बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। और देश के लिए उदाहरण है वो सड़क। कई शहरों में समाजवादियों ने मेट्रो बना दी, आपके लखनऊ में मेट्रो बना दी। सोचो हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, काम हमने किया, फीता दूसरे लोग काट रहे हैं। बताइए, पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोग शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। वो दिन याद कीजिए जिस समय देश के प्रधानमंत्री कोरिया के राष्ट्रपति को बैठा करके नोएडा में ले जा रहे थे। जो प्लांट बना है फोन का, सैमसंग का, वो समाजवादियों ने दिया है। और जो ट्रेन पे बैठ के गए थे वो भी ट्रेन समाजवादियों ने बनाई थी, उनका कुछ लेना देना नहीं था उससे। ट्रेनें भी बना दी, शहर में मेट्रो दे दी। आपके मुख्यमंत्री तो 3 बार के हैं,
15 साल से बीजेपी है, बताओ मध्य प्रदेश में किस शहर में मेट्रो चल रही है, एक हो तो बता दो हमें। और आप पता कर लो उत्तर प्रदेश में 5 जगह समाजवादियों ने चलाई, और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो आपके इलाहाबाद में भी मेट्रो चल रही होती है, समाजवादी लोगों ने बना दी होती यहाँ पर। और इसलिए मेट्रो इसलिए बना रहे थे क्योंकि शहर में ट्रैफिक, यातायात का मामला, यातायात, शहर में लोगों को चलने की जगह, और जब शहर में मेट्रो आती है तो 10 और 15 हजार नौजवानों को नौकरी दे देती है। लखनऊ जैसी मेट्रो आई है, उसने 10 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का केवल एक फील्ड ने काम कर दिया है। अस्पताल बड़े बने। मैं अभी गया था दिल्ली में, हमारे लीडर ऑपोजिशन बीमार थे, हम देखने गए उनको, हमने वहां सबसे बड़ा अस्पताल वेदांता डॉक्टर तिरंग जी से बात की। हमने कहा कि बताओ कितनी नौकरियां हैं आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारा अस्पताल है, हमने एक अस्पताल बनाया, लगभग 25 हजार लोगों को नौकरी मिली है। हमने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, बन के खड़े हैं, लेकिन ये सरकार चलाने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। 2 साल से ऐसे ही खड़े हैं बड़े बड़े अस्पताल, और उनके अस्पताल से अच्छा अस्पताल बनाया, लेकिन ये सरकार नहीं चला रही है, ये स्थिति पैदा की है। ये बीजेपी के लोगों को कोई काम नहीं है विकास का, वो तो दिन भर ये सोचते हैं विनाश कैसे हो, लोगों का दिमाग कैसे घुमाएं, लोग दिमाग कैसे घुमाएं, ये है उनके अंदर, दिमाग कैसे घुमाएं। और दिमाग घुमाने की उनके पास पुड़ियां हैं बहुत सारी, जब जरूरत पड़ती है तब जेब से निकाल करके जनता के बीच में रख देते हैं और जनता वैसे ही घूम जाती है। इसे सावधान रहिए बीजेपी के लोगों से। आपने ठीक कहा, वो जो हवाई जहाज है जो आना है फ्रांस से, राफेल हवाई जहाज, हम तो कहते हैं कि हवाई जहाज ला रहे हो, आपने कोई सड़क नहीं बनाई जिस पे चल जाए ना उतर पाएगा, कम से कम समाजवादियों की सड़क है, आप उतार के तो दिखाओ राफेल उतरता है कि नहीं उतरता है समाजवादियों की सड़क पर। और कीमत का तो हिसाब किताब वो ले रहा है कोर्ट, कीमत का हिसाब किताब तो कोर्ट ले रहा है। और फिर अगर आपका इतना ही दामन साफ है तो फिर जांच से क्यों घबराते हो, एक बार जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिरकार क्या है मामला। ये ला रहे थे बुलेट ट्रेन, ये ला रहे थे बुलेट ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन ला रहे थे, आज बुलेट ट्रेन आई कि नहीं आई बताए हमें कोई। और इस देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमारे सीमा पे जो जवान खड़े हैं जिनकी जान चली जाती है उनको कम से कम बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाए, बुलेट ट्रेन जब आएगी तब देखा जाएगा। हमें क्या चाहिए यही नहीं पता, हम पूरे देश को उलझा दिया इन्होंने। इसलिए हम आपसे निवेदन करने, अपील करने आए हैं, ये मौका आप नहीं दोगे तो फिर हम आपके पास आएंगे। समाजवादी लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, यही मौका है परिवर्तन का, अगर मौका किसी और को दे दोगे तो फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता 2 साल में ही उब गई है, 2 साल में ही उब गई है। हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगर बंदर भगाना है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, बंदर भाग जाएंगे। तो बताओ 2 साल में ही उब गई हमारी जनता, और हमने इतनी आसान भर्ती की थी, हमारे नौजवान जानते होंगे, पुलिस की भर्ती की हमने, हमने 70 हजार की भर्ती करके दिखा दिया, और लास्ट में जो आखिरी में की 32 हजार, वो इतनी आसान भर्ती जो कभी हो नहीं सकती थी। हमने कहा कि बताओ पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा कराते हो आप, हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी पुलिस की भर्ती में, नौजवान को 10वां 12वें की मार्कशीट ले आए और दौड़ के दिखा दे, जो आगे निकल जाएगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। और 32 हजार हमने भर्ती करके दिखा दिया, 32 हजार भर्ती किए हैं। तो हम काम करना चाहते हैं, और अगर आप सुधारना चाहते हो, चीजें बदलना चाहते हो, तो वो आपके हाथ से बदल सकती है, और वो तब बदलेंगी जब आपके लोकप्रिय यहाँ के नेता
आपके वोट से जीत करके जाएंगे। अगर जीत करके जाएंगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से नए कार्यक्रम नई योजनाएं लागू कर करके समाजवादियों ने नई दिशा में देश को और प्रदेश को ले जाने का काम करना चाहते हैं, अगर आप मौका दोगे तो हम आने वाले समय में देश में भी कैसे परिवर्तन हो उस दिशा में हम काम करने का काम करेंगे। जहां तक सवाल गठबंधन दोस्ती उसका है, आने वाले समय में आप जानते होंगे कि देश की सरकार बननी है, 5 महीने बाद फिर चुनाव में आना है, आपके बीच हम लोग फिर आएंगे, क्योंकि ये मौका चला गया तो 5 साल बाद आएगा। हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। और मैंने पहले भी कहा, कई जगह कहा और आज फिर कहता हूं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी लोग हटने वाले नहीं है जब तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनेगी, तब तक नहीं हटेंगे। हम लोग काम करेंगे जनता के बीच में, क्योंकि देश को नई चीजों की जरूरत है, नया परिवर्तन हो। इसलिए परिवर्तन हो तो साइकिल के लिए हो, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी के लिए हो, प्रदीप सिंह जी के लिए। बताओ, करोगे परिवर्तन के पक्ष में क्या नहीं करोगे? और जब घर बैठ करके सोचना, पुराने आंकड़े निकालना, एक एक चीज के आंकड़े निकाल लेना, पुराने आप डीजल पेट्रोल डॉलर घर मकान महंगाई किसान की बर्बादी, आप पाओगे जहां से कांग्रेस ने छोड़ी थी बर्बादी, उस बर्बादी को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या आप उसी रास्ते पे चलना चाहते हो कि साइकिल के रास्ते पे चलना चाहते हो? अगर साइकिल के रास्ते पे चलना चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। और अपने नौजवानों से हम जरूर कहेंगे कि हमारी और आपकी उम्र एक है, हमें और आपको बहुत चुनावों में मिलना है, अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम भी कुछ आपके लिए काम करने का मौका मिलेगा तो हम आपके लिए काम करेंगे आपके लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा दे करके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है और हम नौजवानों की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा वातावरण दे करके जाएं, हम अच्छी चीजें दे करके जाएं। क्या हमारा देश वैसा ही बना रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा बीमारियां हैं? आज दुनिया के आंकड़े निकालो आप, आज हम कैंसर में सबसे आगे हैं, आज लीवर की बीमारी में हम आगे हैं भारत के लोग। आपकी चाहे हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो, आंख की कमजोरी के, और अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे भारत के लोगों को, गरीबों को पूरा खाना भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए दिन प्रतिदिन वो कमजोर होते जा रहे हैं। कमजोरी की भी सबसे ज्यादा अगर कहीं शिकायत आ रही है तो हमारे देश में और हमारे देश के माताएं बहनों से लेकर के बुजुर्ग नौजवानों के बीच में है। ये दिक्कतें आ गई देश के सामने। जो ताकतवर बनना चाहता था वो देश सबसे कमजोर हो गया। इस देश को कोई निकाल सकता है तो आप लोग निकाल सकते हैं, और साइकिल का साथ दीजिए, प्रदीप जी का साथ दीजिए, रास्ता आपके सामने है, रास्ता आपको खोलना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। आज का दिन शुभ इसलिए भी है, आज के दिन के लिए बधाई मैं प्रदीप जी को इसलिए दूंगा कि आज के दिन नेताजी का जन्मदिन भी है। हम सुबह बना करके निकले हैं, सुबह हम नेताजी से मिलकर के उनको बधाई दे करके और उनसे आशीर्वाद लेकर के निकले हैं। और आज जब सभा हो रही नेताजी के जन्मदिन के दिन, हम और आप क्या दे सकते हैं नेताजी को? शायद एक विधायक जीता करके अगर दे दोगे तो शायद इससे बड़ा उपहार समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसे मदद करिए, जिताइए और सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम समाजवादी साथी जो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आखिरी दिन तक मेहनत कर करके इनको जिताने काम करेंगे। एक बार फिर मैं अध्यक्ष जी का, जो हमारे बैठे हैं बुजुर्ग केशरी प्रसाद कोल जी का धन्यवाद दूंगा। ये दोस्त समाज आदिवासी समाज के साथ आते हैं, जिनको आजादी के बाद जो सम्मान और हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है।